लेकिन सच यह है कि राजद के नेता भी अच्छे से जानते हैं कि इसको चने के झाड़ पर खड़ा करके झंडा फहराते रहो फरवाते रहो, जिससे कि हम अपने सारे घोटालों से बच सकें। मुख्यमंत्री जी रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं, रबर स्टैम्प को आदेश मिला कि नहीं यही मंत्री बनेगा, तो रबर स्टैम्प ने उस पर मुहर लगाया। फिर रबर स्टैम्प को आदेश मिला कि नहीं कानून मंत्री खुद अपहरण में जेल में जाए, अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको गन्ना मंत्री बनाइए, तो कल सुबह रबर स्टैम्प ने गन्ना मंत्री पे मुहर मार दिया। केसीआर उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी बैठ जाएंगे, वो तो खड़े होने के लिए ही इस महागठबंधन में गए हैं। और कह रहे थे कार्तिकेय सिंह अपहरण के, पर दिक्कत क्या है कि मुख्यमंत्री जी रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं, रबर स्टैम्प को आदेश मिला कि नहीं यही मंत्री बनेगा, तो रबर स्टैम्प ने उस पर मुहर लगाया। फिर रबर स्टैम्प को आदेश मिला कि नहीं कानून मंत्री खुद अपहरण में जेल में जाए, अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको गन्ना मंत्री बनाइए, तो कल सुबह रबर स्टैम्प ने गन्ना मंत्री पे मुहर मार दिया। शाम तक होते होते फिर वहाँ से ऑर्डर आया होगा कि लगता है दिक्कत होगी कि इसको हटा दीजिए, तो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री ने हटाने पे मुहर मार दिया। रबर स्टैम्प का काम होता है कि जो हाथ में जिसके हाथ में रबर स्टैम्प होता है वह जैसा आदेश दे वैसा मुहर लगे, वैसा ही मुहर का लगाने का काम माननीय नीतीश कुमार कर रहे हैं। इनके रबर स्टैम्प है सर, जाहिर बात है लालू जी के रबर स्टैम्प बन के आए हैं, वह एक ही सपना देख के आए हैं। और लगातार राजद के नेता उनको लाल किले के गुंबज पर खड़ा करके उनसे झंडा फहरवा रहे हैं 2024 में, लेकिन सच यह है कि राजद के नेता भी अच्छे से जानते हैं कि इसको चने के झाड़ पर खड़ा करके झंडा फहरवाते रहो, जिससे कि हम अपने सारे घोटालों से बच सकें। और पहला उदाहरण हमने सरकार बदलने के साथ देखा कि जब आईबी और सीबीआई बिहार में आती है, बिहार के सीआईडी का काम अब अपहरणकर्ताओं को हत्यारों को पकड़ना नहीं रह गया है, बिहार का सीआईडी अब केवल इसी काम में लगा रहेगा कि कब सीबीआई किसके पास जा रही है, कब किसके पास आईबी जा रही है। और शक्ति यादव जी जो प्रवक्ता हैं वह एक दिन पहले ही बता देंगे सीआईडी के माध्यम से रबर स्टैम्प जी अपने हाथ को खबर करेंगे। और हाथ ने पहले ही ट्विटर पर बता दिया कि कोई भी बिहार में अपने अपने पैसे को छुपा लो, सीबीआई की रेड होने जा रही है। उसमें तो तय कर ले बेचारे नीतीश जी को लाल किले के गुंबज पर इतना शौक है झंडा फहराने का, और उनके सामने केसीआर उम्मीद कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी बैठ जाएंगे, वो तो खड़े होने के लिए ही इस महागठबंधन में गए हैं। और इसीलिए केसीआर के अपनी बेटी फंसी हुई है, अपना बेटा फंसा हुआ है, यहाँ पर भी फंसे हुए लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन का काम दे रहे हैं। नीतीश जी तो इतने शौक से बुलाए थे, गलवान घाटी की घटना हुए आज सवा साल बीत गया, खैर उन्होंने शहीद के परिवारों को मदद किया है, उसके लिए मैं केसीआर को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आने का उद्देश्य केसीआर का था कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी सकारें। नीतीश कुमार जी इस उम्मीद में थे कि केसीआर आएंगे तो उनके प्रधानमंत्री के बारे में कोई घोषणा करेंगे, तो ये जो 24 प्रधानमंत्री मिल करके आपस में रिसर्च कर रहे हैं, अब जो घटना कल घटी है इसके बाद किसी नए प्रधानमंत्री को बिहार में तो स्वागत निश्चित नहीं होगा।